वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके बच्चे की हलचल आपको कब से महसूस होना चाहिए, कितना आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आपके गर्भ में आपका बच्चा स्वस्थ है। 8वें-9वें महीने में आपके बच्चे की हलचल अचानक से कम हो गई है या तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी का शुरुआती महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, पहले से तीसरे महीना तक आपको ज़्यादा आपके बच्चे की हलचल आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती है। अगर आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में या तो प्रेगनेंसी के पाँचवें के शुरुआती महीने से ही आपको बच्चे की फील महसूस होने लगती है। अगर प्रेगनेंसी आपने पहली बार कंसीव किया है तो ऐसे में आपके बच्चे की हलचल आपको ज़्यादा फील नहीं होती है, आपको समझ ही नहीं आता है कि ये बच्चे की हलचल है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का दिन बढ़ते जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी का पाँचवा महीना, छठवा महीना स्टार्ट होता है, आपके बच्चे की हलचल आपको क्लियरली समझ आने लगता है। जैसे कि आपका बच्चा हेड डाउन करता है, जैसे कि आपके बच्चे की मूवमेंट किक मारना या तो उसका हाथों का मारना आपको अच्छे से फील होने लगता है। और ये जो होता है प्रेगनेंसी के छठवें सातवें महीने में, काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस होने लगती है, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का विकास अच्छे से होता है, आपके बच्चे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी का आठवां महीना या तो पौने आठ महीना लगने वाला होता है, आपके बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले अचानक से कम हो जाती है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके बच्चे का वजन बढ़ जाता है जिसके कारण वो अच्छे से हलचल नहीं कर पाता है, और उस समय आपका बच्चा डिलीवरी के पोजिशन में आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके डिलीवरी के लिए आपका बच्चा सिर नीचे की तरफ करता है और पैर ऊपर की तरफ करता है, इसलिए आपके बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले कम हो जाती है। और जब भी आपका बच्चा इस समय हलचल करता है, आपको काफ़ी तेज़ी से फील होता है, यानी कि आपके बच्चे की हलचल हाथों की तरफ नीचे होती है जो कि आपको गुदगुदी से लगती है, और पैर का ऊपर की तरफ हलचल होता है जो कि काफ़ी तेज़ी से होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। ऐसे में भी आपको ये समझ जाना है कि आपका बच्चा हेड डाउन कर लिया है और वो डिलीवरी का पोजीशन ले लिया है। लेकिन इस समय अगर आपके बच्चे की हलचल आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, दिन में कम से कम 15 से 20 बार आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराना है। और ऐसे में आपके बच्चे की हलचल बहुत कम हो गई है तो आपको डरना नहीं है, लेकिन एकदम से रुक गई है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए।